Hey guys, कैसे हो आप सब? I hope सब ठीक ठाक होंगे। आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 8। रात को ऐसे आपको पता ही था यार, हमारी गाड़ी ऐसे खजल कर दी यार। मतलब हम लोग तो रात को निकल जाएंगे, काफी सफर निकालेंगे, पूरी रात हमारी टूटी। जिस चक्कर में गाड़ी खींच के आए थे कि हमारे रात बज जाए, आज सुबह हमारी गाड़ी लोड हो जाती। अभी आए थे भैया, उनको बिल्टी वगैरह दिए, तो मैं देखो तैयार बैठा हुआ, रजेश रेस्ट कर रहा है क्योंकि अभी मेरे बोला एक बंदा सो जाए। मैं और गौरव भी उठे और बाहर ना बारिश का पूरा मौसम बना हुआ, पूरी हवाएं चल रही हैं बाहर, पूरा भाई बारिश का मौसम। देखो ये देखो हवाएं, देखो भाई अरे अंदर देखो भाई हवा, ये देखो। तो वही टेंशन है, यहाँ से निकल जाए, आगे के ढाबे में पहुंचे, भूख भी लगी थी। और अपने पास भाई जो कैश है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी वहाँ जाके पैसे भी लेते हैं एटीएम से, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। अगर बारिश आ गई उधर पार डालना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे नहीं डालना पर हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर माल लेके जाएंगे, अगर वहाँ पे माल खराब हो गया तो भाई हमारे पैसे कटेंगे, आगे किराया बहुत कम है। बारिश तो भाई हल्की हल्की स्टार्ट होगी, अब इधर डाला अपनी तरफ से एक तरफ अच्छे से। यहाँ से आ गया मक्कू, फिरोजपुर, हमें जाना है मक्कू की तरफ। इधर जलंधर आ गया, लोहानिया। बारिश के साथ हमारा सफर हुआ स्टार्ट, बस हमारे से यही दो है सफर पूरा अच्छे से रहे। एक साल के बाद हम इस रोड में जा रहे हैं, कहीं रोड नहीं भी होगी पर आराम से जाएंगे। हनुमानगढ़ तो रोड बन रही थी, बस अभी हमारा अमृतसर बठिंडा हाईवे आने वाला है, उस पर चढ़ जाएगी गाड़ी। तो देखते कि ढाबे पर रुकते पहले ब्रेकफास्ट करते, और पैसे भी नहीं अपने पास, पैसे निकालने का सड़क बताया। तो बात तो कर दी व्यापारी को, पर उन्होंने बोला जब जैसे ही आपकी बारिश रुकेगी फिर से बोल देना। लगता है आज बारिश में पूरे रास्ते हमारे साथ रहने वाली है। अभी हम आ गए अपना बठिंडा हाईवे है मेन, बठिंडा अमृतसर हाईवे, उस पर चढ़ गए। पहुँचने वाले हम जीरा, फरीदकोट, हाँ फरीदकोट भी आएगा जीरा, फिर बठिंडा, फिर आगे से आगे आगे वही। अभी जीरा किया पार, ये आया टोल और यहाँ पर राजेश को मिल गए झंडे वाले भैया एक, ये झंडे बोरा लगाने ऊपर, मैंने बोला ले लो भाई। बनने किसने ला ना, यहाँ झंडे ले लिए, अब छोटा छोटा सामान लेना चाहिए, सोच रहे ये भी लें बट अभी हैं पीछे। लेने लगे थे भाई झंडे लिए, पर अंदर राजेश को झालर पसंद आ गई, पता नहीं कहाँ लगानी है। और मैं सोच रहा हूँ ये दुपट्टे भी ना पुराने हो गए, इसको पीछे लगा देंगे, यहाँ पे नहीं लगा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करवाते रहना चाहिए। देखो ये झंडा लगाया एक नया गाड़ी में अपनी, और ये अब तिरंगे भी चेंज कर, एक तिरंगा और है बड़े वाला, उसको हम लगाने लगे नई जगह पे, दिखाते हैं लगा के आपको। तो मैं डंडा ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे लगाने के लिए, उस पर भी एक झंडा चढ़ाना था। इस साइड भी आगे वाले पीछे लगा देंगे, ये भी तो अच्छे मस्त लुक लग रही है। अभी अंदर झालर लगा रहे हैं, अभी मुझे लेने वो वाले दुपट्टे जो भैया उतार रहे हैं वो लगाएंगे पीछे। आगे वाले भी नहीं थे, अब इनको लगा रहे हैं पीछे। पीछे से हमारे कोई आधा है ना, पीछे से हमारे आधा कोई काट के ले गया था, बस था ठीक है इतने। ये लंबे लग रहे हैं, ये आ जाएंगे इधर तक। ये ना अपने पास लेके रखा था बड़ा फ्लैग हमारी जान, अब उसको ना मैंने बात ही लगाए कहाँ, यह डंडा रखा था मैं सेफ्टी के लिए, बड़ी डंडा तिरंगे में आ गया, इसको यहीं पे लगा के नीचे लगा दिया जब तक तिरपाला नहीं खोलेंगे। और अपनी प्लानिंग है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा तिरंगा लगाएंगे, बट आगे जाके अभी जब तक ये फेरा कंप्लीट होता है मस्त, अब देखते कैसे झूलेगा। क्या मस्त चुनरी लग रही है यार, यार देखो झंडे देखो भाई, ऐसा ही हमारी गाड़ी में उड़ेंगे यार। छोटी सी शॉप है, मैं जरूरी नहीं बड़ी बड़ी शॉपों में जाके महंगा सामान मिलता है, छोटे सामानों में भी यहाँ पे अच्छा सामान मिल जाता है। मनीष भाई को काफ़ी फोर्स किया मैंने चुनरियाँ लेने के लिए, ये वाली। आप पहले मेरे पास तो थे ही नहीं पैसे, राजेश ने घर से लाए थे, उसका तो सामान आ गया, ये लगा दिए झालर हल्के छोटे छोटे, देखो थोड़ा थोड़ा भरी, पर मैंने सामान उतरा वेट वाला। अब इसके साथ ये गुड़ियाँ लगाएंगे जो वो पड़ी हैं सारे, वो धोएंगे अभी। भैया फोन छोड़ना, अभी बाहर एटीएम देखना है, खाना खाना ना एटीएम चाहिए। अब पहले एटीएम से पैसे निकाल के ढाबा देख के फिर तरफ बाहर भी खोल लेते हैं, और वो पीछे तिरंगा लगाया भाई देखो कितना मस्त झूल रहा है। यहाँ पे मिला भी अभी एक एटीएम, रोड पे खड़ी की गाड़ी, गौरव गया हुआ पैसे निकालने के लिए, मैसेज आ गया पैसे निकल के बस आए। सच में यार पैसा नहीं हो तो भाई खाना भी क्या खाना, वहाँ पूछने को ऑनलाइन है नहीं है, कहीं जगह नहीं होता, अब खाएंगे खाना आगे। थोड़ी थोड़ी मार्केट थी कुछ बाजार पर, यहाँ पे ही मिल गया बैंक था HDFC का, और वहाँ पे ATM मिल गया, और यहाँ पे अब हल्की हल्की धूप भी आ गई, निकले आ गया पैसे लेके।
अच्छा अच्छा जी, भूख लगी थी यहाँ पे, लिए पहले केले। पैसे आए, पैसे नहीं केले, पैसे जाएंगे संतरे, क्योंकि हेल्थ हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा था वो कुछ। अब संतरे 1.5 किलो ले रहे हम, बोले जूस क्या पीना, फ्रूट्स ही पीते हैं। बाहर सही मौसम है रजेश, होए रजेश पहली बार आया इधर ना, बाकी कुछ नहीं है, पीछे झंडा इतना सही लग रहा ना, कुछ गलत है सही है जैसा भी है भाई, ये है रजेश की पसंद का, आप कमेंट रजेश लगाएंगे। रजेश की दूर की फ्रेंड जा रही है तो आगे से रजेश आ रही है उधर, बस हम बठिंडा पहुंचने वाले, वहां से डब वाले फिर सिंगल रास्ता हो जाएगा, फिर आराम आराम से चलेंगे। पिछली बार हम आए थे तब तो रास्ता बन रहा था, पता नहीं कितना बना है। वो चिमनी के पास जाना, ये बाईपास है, ये झील आ गई यहाँ पे, और वहाँ पे एक प्लान भी है। चलो 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 चलो, इस साइड आ गई झील और इस साइड देखो, इस साइड भी झील है, इतना मस्त पानी है। और ये जो जो भाई गेमिंग करते हैं ना, उनको पता होगा ये कौन सी जगह है, कमेंट करके बताओ ये कौन सी गेम में, कौन सी जगह, जगह का नाम और गेम का नाम दोनों कमेंट करके बताना। यार रुके ढाबे पहले ना, तिरपाल खोलने वाले थे, फिर आगे पता किया कि फिर बारिश का मौसम ही है, फिर नहीं खोला, यहाँ पे झंडा लगाया। बाकी देखो कर लाका आता लाख पैसा होने को, और लाकर ही पर्स ले आ रहा। ये देखो भाई ये चुन्नी इधर आ गई, ये नई चुन्नी लगाई आगे, मुँह हाथ धो लिया, हाथ धो लिए, मतलब साबुन नहीं लाया, याद ध्यान नहीं रहा, हमने यहाँ पानी नहीं है ढाब, क्योंकि ढाबा के पीछे है ये वाला बाथरूम, गाड़ी हमने उस तरफ खड़ी की। रजेश कर रहा है अपने हाथ पाँव साफ, और मैंने भी कर लिए पाँव धो लिए, खाते हैं खाना फिर निकलते हैं, क्योंकि 2 बजने वाले हमें डीज़ल भी डालना आगे, मतलब पंजाब में डालेंगे, पहले सोचा हरियाणा में सस्ता, पर हरियाणा में 90 रुपये है डीज़ल, और पंजाब में 87, पता भी राजस्थान कितना है 98 है यहाँ पे, मतलब आता है 82 रुपये, बस 84 रुपये 94 यहाँ से अंदर ढाबे में शार्ट का रास्ता, खाते हैं खाना। आगे ढाबे में हाथ मुँह धो के बोला एक मिक्स वेज, मतलब सब सब्जियाँ मिक्स और एक दही, गौरव नहीं खा रहा, गाड़ी वो खड़ी, बस आए खाना खाते फिर निकलते हैं। बस अब हरियाणा बॉर्डर आने वाला, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर, डब वाली में हमने डालना था तेल, तेल भी डाल लिया, ट्रैफिक पुलिस बठिंडा है, अब शायद हरियाणा में एंटर हो गया, वहाँ पे क्या पंजाब पुलिस ही अभी भी, मतलब ये पंजाब का होगा ना आगे हरियाणा का आएगा। वेलकम टू हरियाणा, तो भाई हम आगे हरियाणा में, अभी पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, हरियाणा पहुंच गया हम, अभी पहुंच के भाई डब वाली, डब वाली ये भाई अपने भाई को अपने फ़ोन किया था, कल रात से ही फ़ोन कर रहे हैं, भाई से मिलके ही जाना था, लास्ट टाइम भाई थे मिले इतने नहीं, वो पिछले बूटे थे गोल, अच्छा यहाँ इस बूटे थे गोल, दुकान बंद सर, तब यार शाहरुख भाई थे, तब भी आते हुए अंगूर रहा था, इस बार देखते क्या मिलेगा, को तो आर टी ओ का टेंशन है, पर कोई नहीं, आगे से गाड़ियाँ आ रही अपनी जम्मू की पंजाब की, तो उनको हम पूछ पाछ के निकल रहे हैं। वैसे 4 लेन रास्ता थोड़ा ही, उसके बाद सारा सिंगल है, फिर हनुमानगढ़ तक, हनुमानगढ़ के किशनगढ़ तक, और रोड वधिया वाला यार। ठीक है भाई निकलेंगे फिर, ठीक है भाई, शाम के 4 और ना यहाँ पे पहला हाईवे था, अब सीधा 6 लेन बन रहा है भाई, पर 4 लेन वाला खाता ही नहीं है, सीधा 6 लेन रोड बन रहा है, ये बात तो माननी पड़ेगी भाई कि पूरे इंडिया में रोडों का काम ना काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, अब रास्ता बन रहा है उसमें से काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम भी रहता है बीच बीच में, जहाँ पर जगह तंग है, गाड़ियाँ आ जाती हैं डबल डबल, ये देखो वहाँ से वो जाने का रास्ता, इधर से ये तो कितनी बड़ी जगह, यहाँ से लेके वहाँ तक से रोड होगी, अभी 3 गाड़ी यहाँ चल सकती हैं, 2 ये चल रही है, 3 वहाँ चल सकती है, और 6 लेन बनेगा, अच्छा खासा डिवाइडर बनेगा, और हम भी थोड़ी देर पहुँचेंगे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से उधर जाके ना, जब हम हनुमानगढ़ से आगे किशनगढ़ की तरफ चल पड़ेंगे तो वहाँ पर अलग सा रास्ता, वो मस्त है यार, वो मतलब हाईवे है पर रेत थोड़ा थोड़ा। Thank you.
देखो भाई ये ना जा रही है गाड़ी, डीजल टैंकी हमने साथ रखी है, देखो इसमें डीजल है। आराम से आराम से आराम से आराम जान दो मेरे भाई। चलो 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 एक टायर कच्चे पे जा रहा है। राजस्थान में ना डीजल पेट्रोल महंगा है। अब बॉर्डर होने वाला राजस्थान और पंजाब का, मतलब कितने पंप हैं भाई, पेट्रोल पंप ही पंप, पंप ही पंप। कम से कम ना 2 किलोमीटर एरिया में कम से कम 15 से 20 पंप है पेट्रोल भाई, फिर पेट्रोल पंप। अभी सामने कैमरे के दिखाता हूँ, यहाँ पे भाई 90 रुपये, वहाँ 98, 8 रुपये का 1 लीटर से फर्क है। जिसको अगर 400 लीटर डालना होगा अभी साल का भाई कितना उसको महंगा पड़ेगा। संतरे के बाग, ये यहाँ पे रिलायंस का पंप आ गया शायद से, इधर इंडियन ऑयल का पंप, वो भाई खड़े शायद यार। हाँ भाई भी कब से कॉल कर रहे थे। संगरिया बॉर्डर पहुँच गए ये भाई ना, सुबह 1 बजे से कंटिन्यू वेट कर रहे हैं और 4:30 हो रहे हैं। आ रहे थे हम भी धीरे धीरे, पर तेल भी क्योंकि यहाँ पे तेल कितना है, अच्छा 98 है डीजल। यहाँ पे थोड़ा फर्क है, हरियाणा में आता है। अच्छा भी हरियाणा में आता है, मतलब वो हरियाणा का बॉर्डर आगे, उसके बॉर्डर हम सेंटर में, अभी हम किसी बॉर्डर में किसी स्टेट में नहीं अभी। तो अभी भाई ने भी बोला, भाई के एक भाई हैं वो आगे से, उन्होंने बोला बारिश तो नहीं है क्योंकि अब किसी का माल है या तरपाल 10 मिनट लगे खोल देते हैं। और अच्छा लगा गौरव गाड़ी के ऊपर तरपाल खोल के फिर झंडा बांधते हैं अच्छे से, फिर निकलेंगे आगे क्योंकि आज रात पूरी चलना ही हमें। मैंने सोचा था खाना खाएंगे मामा के ढाबे पर, बड़ा दूर है वो, वो 300 से ऊपर ऊपर है, नहीं पहुँच सकते रात को 11 बजे तक आराम से जाओगे तो। आलू है ना, पसीना आया था आलू को, फिर आलू ख़राब हो जाएगा। चल अभी तो ख़राब नहीं होगा बट कल को कहीं स्टोर पे लगा रहेगा, कितना टाइम रहेगा तो भाई किसी का क्यों नुकसान करना, 2 मिनट लगेंगे खोल लेते हैं। ये भाई हनुमानगढ़ चौक, ये तो काम पिछले साल से चल रहा है, अभी तो चल ही रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, पहले 1-2 ही थे। यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट, अब सीधा रोड किशनगढ़ का, एक ही सीधा रोड है। जब इंसान किसी ऐसी गाड़ी के पीछे फंसता है तो भाई इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि साइड नहीं मिल पाती यहाँ से। हनुमानगढ़ सिटी, ये पटरी वाला ब्रिज के ऊपर से निकले, जो भी भाई हनुमानगढ़ से देख रहे हैं भाई लव यू सभी को। ये आ गया, ये कौन सा स्टेशन है, कोई डिपार्टमेंट है, पशु पशुपालन विभाग। अहमदाबाद भी यहाँ से रास्ता जाता है, अहमदाबाद 900 कुछ, उदयपुर किशनगढ़ 400। देखा हमें किशनगढ़ जाना है भैया, आपको किशनगढ़ का मैप ही फॉलो करना है। अब ये ना पूरी रोड ही ऐसी है, बस पूरी मस्त रोड है यार। कैसा लग रहा है भैया आपको फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये रोड ना इसमें सफ़र निकलता है यार, थकता नहीं है इंसान। और यहाँ पर सरसों की खेती, क्योंकि हरियाली हरियाली, आप जैसे पंजाब इस एरिया में हरियाली होती है, राजस्थान वो तो बीकानेर वाली साइड है, जोधपुर जहाँ पर ज़्यादा रेत होता है, यहाँ पर तो सही है। और आज का दिन हमारा थोड़ा ठीक निकला, अभी तक हमें पुलिस वाला नहीं मिला, कहीं भी एंट्री नहीं देनी पड़ी, अभी तक ठीक ही चल रहा है। अब देखो रात को आगे, ये ना अभी बोलूँ तो नेक्स्ट मेरा क्लिप वही आए वापिस पहुंचे भैया रावत सर, क्योंकि अगर अंधेरा पड़ रहा था यहाँ पे करवा रहे हैं ग्रीस। और यहीं गाड़ी खड़ी की है, भाई भी मिल गए, आपकी गाड़ी है भाई जी। ओ भाई इनसे यहाँ पे डर लगता है सच में, राजस्थान से हम साइड छोड़ते, क्योंकि जब खाली होती है तो हम साइड छोड़ देते इनकी भाई, इनसे बड़ा डर लगता है, ज़्यादा गाड़ी है ये और खाली के इतने टायर हैं, ब्रेक भी तगड़ी है, वो तो ओवरटेक भी करते हैं। और किधर जा रहे हो आप, यहीं रहते हो आप, यहीं रहते हो ना, यहीं बस अब करवा रहे हैं ग्रीस। हाँ शादी खत्म होगी ना, अब यहाँ पे आ गया, हो गया अपनी गाड़ी का भी, वो देखो लाइटें ऑन, फिल्टर साफ हो रहे हैं, बाइक की गाड़ी जो भाई से मिलवाया था, बाइक की गाड़ी है, बाइक भी 10 टायर पर, बाइक का डैम्पर है, यहाँ लोकल में चलते हैं, यही रहते भाई भी, काम करवा रहे हैं अल्टरनेटर का। आप सोच रहे हो कि गाड़ी की लाइटें कितनी कम है, कैसे जा रहे हो, अभी ना पूरा अंधेरा प्रॉपर पड़ा नहीं है, जब अंधेरा पड़ेगा तो अच्छे से दिखेगा, थोड़ा को कम कम दिख रहा होगा। देखो बाहर अभी इतना अच्छे से अंधेरा पड़ा नहीं ना, ग्रीस वगैरह होगी, हम निकल गए। अब मैं खुद ही चल रहा हूँ यहाँ पे, भैया बोल रहे हैं यहाँ पे 20-10 किलोमीटर आगे ना RTO बैठा है, देखते हैं क्या रहेगा वहाँ पे, तो फिर निकलेंगे आगे सीधा ही सिद्धार्थ, फिर मैं सोचाऊंगा क्योंकि ये रोड सीधी है, फिर किशनगढ़ तक चलेगा राजेश, फिर सुबह 4, 3:30, 4 बजे हम किशनगढ़ पहुँच जाएंगे खाना पीना खा के, मतलब अगर 10 बजे सोऊंगा तो 3 घंटे, 11 बजे भी सोऊंगा तो 4 घंटे सो लूंगा, फिर सुबह इनको सुला दूंगा, फिर किशनगढ़ से गाड़ी ऊपर चढ़ानी, फिर ये वहाँ पुल के फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ानी पड़ती है घुमा के गाड़ी, क्योंकि राजेश हमें फर्स्ट टाइम आएगा, सेकंड टाइम आएगा फिर टेंशन नहीं होगी मेरे को भी। जैसा कि आपको बोला आगे RTO खड़ा है तो हाँ मिले RTO, चलो जैसा भी था, जो कोई टेंशन नहीं, खास मसला नहीं हुआ,
यहाँ पे एंट्री लेते हैं, एंट्री थी यहाँ पे निकल आए, बस चल रहे हैं पहुँचने वाले पल्लू, इसका आएगा सरदार शहर। यहाँ पे ब्रेकर है शायद, क्योंकि जब चलती रोड पे आगे वाली गाड़ी ब्रेक लेती है ना, तो जहाँ तो कोई जानवर है जहाँ पे ब्रेकर है भाई। 8:30 बजे का टाइम और कंटिन्यू अपना सफर जारी। एक बार रोड में नजर मारो यार, मतलब सुनसान रोड है, उतनी प्यारी लग रही है, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं लग रही चल रही है ना, अलग अलग ही मौसम, ऊपर से गाने रोमांटिक सॉन्ग, अलग ही फील है। अब अनुज भाई कर रहे हैं रेस्ट और रिजेश भाई यहाँ से कर रहे हैं ड्राइव, अब देखते हैं रात को खाना लेट ही खाएंगे क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आती है ना। रात के बज रहे हैं 11 और मतलब मैं थोड़ा रेस्ट की पर सोया नहीं, नींद ही नहीं आई, और अभी यहाँ से हम पहुँचेंगे डिडवाना है, और अभी 1 घंटा लग जाएगा। अभी रेलवे फाटक पार किया है, रेलवे फाटक पार करके डिडवाना ही खाएंगे खाना मामा के ढाबे में, वहाँ तक पहुँच गए तो आगे से गाड़ी और आ रही है, वो भी बड़े खास है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो गाड़ी वहाँ आगे से चलती आ रही है अंगूर भर के। वो भाई कहाँ चले गए, हल्की की बारिश से शीशे भी ख़राब हो रहे हैं। करते हैं नाइट ब्लॉग को भी स्टार्ट थोड़ी देर में, बस खाना वगैरह खा लेना फिर, अभी 11 बजे रात पूरी चलना ही है आज। अब सीधा आने वाला डिडवाना, तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को करेंगे यहाँ पे एंड, मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर, क्योंकि नाइट पूरी चलना तो ब्लॉग काफ़ी लंबा रह जाएगा। अभी नाइट का क्या क्या रहता है, कितनी प्रॉब्लम्स आती है, वो आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। यहाँ से खाना खाएंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अभी ना टाइम 11:45 मतलब 12 बजने वाले हैं, खाना 12:30-1 बजे तक खाएंगे डिडवाना पहुँच के, उसके बाद चलेंगे कंटिन्यू। सुबह से पहले किशनगढ़ पार कर लेंगे, फिर चलते रहेंगे आगे, देखते कब तक पहुँचते, कल रात तक इंदौर पहुँच जाए तो बेस्ट रहेगा। होप आपका ब्लॉग सही लगा होगा भाई, बताना आपको कैसे कैसे ब्लॉग सही। अभी नाइट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा कल सुबह 9 बजे, टेक केयर, बाय बाय।